नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज सभी का हमारे चैनल ए टू जेड जॉब्स tc@gmail.com में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पिछले यूट्यूब वीडियो की भांति आज मैं आपको वन ईएमई सेंटर सिकंदराबाद भर्ती प्रोग्राम जो कि रिलेशन भर्ती है इसको बताने वाला हूँ। ये वन ईएमई सेंटर सिकंदराबाद भर्ती प्रोग्राम 16 अक्टूबर 2019 से 24 नवम्बर 2019 तक आ चुका है, जिसमें आपका सोल्जर जीडी, टेक्निकल क्लर्क, एसकेटी, ट्रेड्समैन इन सभी वैकेंसियों पर भर्ती होनी है। दोस्तों अपना वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी के साथ साथ आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल सकें। दोस्तों अभी भर्ती का प्रकार, वैकेंसी, एज सभी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पोस्ट है यूएचक्यू कोटा, स्पोर्ट्स मैन स्पोर्ट्स कोटा, ये स्पोर्ट मैन के लिए और रिलेशन भर्ती वालों के लिए दोनों के लिए भर्ती है, यानी जो इस खिलाड़ी हैं वो कहीं कहीं के हों, ऑल ओवर इंडिया के हों, उनके लिए भी वो भी इसमें भर्ती देख सकते हैं। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन का लड़का, सन ऑफ ब्रदर सर्विसमैन का भाई या सर्विसमैन का लड़का भर्ती देख सकता है, या विडो के बच्चे। दोस्तों ये भर्ती होनी कहाँ पर है, ये है एक मिल्खा सिंह स्टेडियम सिकंदराबाद में भर्ती का प्रोग्राम है। इसमें भर्ती होने किस प्रकार है वो इस प्रकार बताऊंगा आपको। फर्स्ट होगा चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी आपके डॉक्यूमेंटों का, दस्तावेजों की चेकिंग होगी। इसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद मेजरमेंट, फिर मेडिकल, रिटन एग्ज़ाम, प्रिपरेशन लिस्ट और इसके बाद आता है एनरोलमेंट एंड डिस्पैच। दोस्तों इसमें उम्र जो रखी गई है वो 17.5 से 21 वर्ष और टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 वर्ष। अभी क्वालिफिकेशन इस प्रकार है, सोल्जर जीडी के लिए 10th पास विद 45 अंकों के साथ, यानी एग्रीगेट आपको 45% अंक चाहिए। एसकेटी और क्लर्क के लिए 12th पास 50% अंक विद इंग्लिश। ट्रेड्समैन के लिए 8th पास 10th पास विद आईटीआई। नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी टेक्निकल के अंदर आता है, नर्सिंग असिस्टेंट या 12th पास 50% मार्क्स विद बायोलॉजी। टेक्निकल 12th पास 50% मार्क्स विद पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में। दोस्तों इसमें जो मेन मेन डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या लेके जाने हैं, क्या आपको याद रखना है वो इस प्रकार हैं। रिलेशन सर्टिफिकेट, 10th या 12th या 8th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आईडी, ये फ़ोटो आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए चाहिए आपको। 25 फ़ोटो, कलर फ़ोटो चाहिए 25। एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है वो भी लेके जाएं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, एफिडेविट एज पर फॉर्मेट। इसके साथ साथ आता है अनमेरिड सर्टिफिकेट जो कि आप सरपंच से मिलेगा आपको, वो भी साथ में होना चाहिए। दोस्तों ये भर्ती सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री की जाती है, आप किसी के झांसे में ना आए, ना किसी को पैसा दें। विशेष का ध्यान रखने वाली बात, आप अपने साथ में खाने पीने का सामान पर्याप्त रखें। फोन इसमें ग्राउंड में अलाउ नहीं है। अभी आता है स्पोर्ट्समैन के लिए, जो सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्समैन का वो विदिन 2 ईयर्स मान्य है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वालों के लिए ही इसमें जगह दी गई है। स्पोर्ट्समैन डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल का हो। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें सक्सेस होंगे। यदि आप अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा दोस्तों शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।